हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार पुलिस का दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके बीच लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि पहला सेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा एक नंबर इसका। दूसरा क्वेश्चन है, अधिवृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2π r, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दोनों क्या है? संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो हम यहाँ बीच में क्या किए? बराबर का चिन्ह दे दिए। ठीक है, अब देखिए इसको 2π r बराबर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, आर इंटू आर। अब देखिए ये आर से ये आर ख़त्म हो जाएगा, पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो गया? आर बराबर 2 हो गया। ये हमारा क्या आंसर हो गया? 2 नंबर आंसर हो गया। ठीक है, कह रहा है दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, जहां आर दोनों पिंड के बीच की दूरी है। तो देखिए इसका जो है सूत्र होता है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर, एफ बराबर होता है जी एम वन एम टू और बटे क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। इसको हम किस रिस्पेक्ट में देखते हैं? जब बीच की दूरी का इन्वर्सली है, यानी कि 1/r² इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए आर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/r². ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलर का अंकित मूल 4200 है, दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत, तो छूट कितना दिया है? अंकित मार्क्स प्राइस जो है MP है, मार्क्स प्राइस अंकित मूल है कितना? 4200 है। ठीक है, अब बेचता कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? SP कितना है? 3696। तो देखिए तो छूट कितना दिया, रुपया में छूट कितना दिया? तो अंकित मूल था 4200, 3696 बेच दिया, तो छूट कितना दिया? तो दोनों को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ देखिए 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ बचा है 1 पे चलेंगे 10, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ 3 में से 3 जाएगा ख़त्म हो जाएगा, तो 504 रुपये का छूट हुआ। तो छूट प्रतिशत निकालना है, तो छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट यानी कि 504 गुना 100 बटे क्या होता है? MP मार्क्स प्राइस। ठीक है, 42, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो ख़त्म हो जाएगा, 21 दोनों 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 दोनों 50, 252 हो जाएगा, यानी कि 252/21, तो 252/21 है 252/21, इसको देखिए हम 252/21 में भाग दे देंगे, तो 252 252/21 आ गया। इसको देखिए काटेंगे, 1 बार में 21,
यहाँ बच गया चार, चार दो बयालीस, इक्कीस दोनों बयालीस, यानी कि 12% की क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? तो दो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, ही सॉ दैट द क्लॉक क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, कहे कि पास्ट टेंस में है, तो ही सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉपेज हो जाएगा। भारत की लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थी मीरा कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश जैसे सरल जीवों को आदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, तो ये कौन है? यह है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ऐसा जीव है जो कई टुकड़ों में काट देने के बाद प्रत्येक टुकड़ा जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, देखिए यह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह जो साइनोनिम्स पूछ रहा है, WALV वाल्व का मतलब होता है छोड़ देना, तो छोड़ देने का मतलब टू गिव अप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो भारत में जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है असम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? तो सबसे कम समय पद पर कौन रहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है? तो अंबेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, दे टाउट हिम मतलब वे लोग, टाउट हिम मतलब मुझे पढ़ाया, हाउ टू बिहेव प्रॉपरली कैसे बिहेव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवन्यो कहाँ का मुख्य कला केंद्र रहा है? तो आवन्यो देखिए फ्रांस का मुख्य कला केंद्र रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है, तो वह है कि समांतर चतुर्भुज के दो सन्निकट भुजाएं जो है बराबर होगा और विकर्ण बराबर हो जाएगा तो वह क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस मतलब यह मतलब रूल जो है सबके लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है कि धोनी सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होता है? तो धोनी सबसे तेज जो है ठोस माध्यम में संचरित होता है। ठीक है, एक इसका ये हो जाएगा, दृष्टि छाया क्या है? तो देखिए वृष्टि छाया जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संस्कृति शब्द का विश्लेषण है, तो संस्कृति शब्द का विश्लेषण क्या है? संस्कृतिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द पुलिस मैन कैचेज थीप्स, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो थीप्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो थीप्स
ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो थीप्स आर काउट बाय द पुलिसमैन हो जाएगा। तो एक जूल किसके बराबर होता है, तो एक जूल जो है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला दिया गया है, अगली संख्या क्या आएगी। तो देखिए 2 से 5 होने में 3 का वृद्धि हो गया, 5 से 10 होने में 5 का वृद्धि, 3 5 आगे देखिए 7 का वृद्धि हो रहा है, आगे देखिए 9 का वृद्धि हो रहा है, 3 5 7 9 यानी कि 2 2 बढ़ रहा है, देखिए 9 2 11 बढ़ रहा है, इसी प्रकार 11 2 क्या हो जाएगा, 13 बढ़ जाएगा, तो 37 13 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो विफलता का देखिए विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, सफलता हो जाएगा। अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइड के कारण होता है, तो अम्लीय देखिए सल्फर और नाइट्रोजन के मिश्रण से होता है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था 1939 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन स्कर्वी रोग उत्पन्न, कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। तो स्कर्वी देखिए विटामिन जो है सी के कमी से होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो गैलीलियो ने किसका किया था, टेलीस्कोप का किया था। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं, कुरुबा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर के, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इसका ट्रांसलेशन करना है तो इसका क्या हो जाएगा, माई मदर हैज कॉल्ड यू टुडे, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ रही कविता की सवारी, कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है, बादलों की एक रूपता की किससे की गई है, तो ये की गई है अनुचरों से। ठीक है, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है, यह जो है फल में विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की असल सीमा की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, तो पोलैंड पर आक्रमण किसने किया था, एडॉल्फ हिटलर ने किया था। विद्वान का विलोम क्या हो जाएगा, विद्वान का विलोम हो जाएगा मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, तो ये किससे की है, बेंगलुरु से की है। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, कौन आए थे, ये आए थे आपका पुर्तगाली आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु और सतलज के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो सिंधु और सतलज के मध्य हिमालय को किस नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है यूरेनियम 235। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, तो यह किया गया वर्षा में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का सवाल है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में BC बराबर PQ तथा कोण C बराबर कोण Q, तो दोनों को त्रिभुज भुजा कोण भुजा स्वयं सिद्ध के सर्वासंग होंगे आदि। देखिए ये जो है ABC है त्रिभुज, एक त्रिभुज है PQR, दो त्रिभुज है देखिए BC भुजा, ई भुजा जो है ई भुजा के PQ के बराबर है, ई कोण C कोण Q के बराबर है,
तो भुजा कोण भुजा से भुजा कोण भुजा से स्विंग स्थित सर्वाक्ष संघ होंगे आदि। देखिए ई भुजा और ई भुजा आदि बड़ा बराबर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे सर्वा के सम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ई भुजा और ई भुजा बराबर होने का मतलब है ई कोण और ई कोण भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो गए। क्या हो गया एस सी बराबर क्यू आर या आर क्यू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है निम्न कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं, ये किलोवाट। किलोवाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं संपत्ति का अधिकार एक है, तो संपत्ति का अधिकार किस में चला गया, कानूनी अधिकार में चला गया, पहले क्या था मौलिक अधिकार था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 2011 की जनसंख्या भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ यूपी में है, ठीक है। 50 का है 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो यह निर्माणाधीन कहाँ है उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं वह संयोजी उत्तक जो अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, अस्थि के जो मांसपेशी से जुड़ता है उसको कंडरा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, राष्ट्रीय आय का मतलब है उत्पादन के माध्यम से जितना भी हमको आय प्राप्त होगा और किस में जाएगा राष्ट्रीय उत्पाद में, इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है व्हाट डिड मिस्टर ग्लेशर डाई ऑफ, मतलब व्हाट डिड मिस्टर ग्लेशर डाई ऑफ किसे मर गया, स्लो स्टार भेसन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है देखिए नेक्स्ट सवाल है 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे रकम 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती, 5 वर्ष में कितना हो जाती है दुगुनी, ठीक है। तो 20 वर्ष में कहते हैं 20 वर्ष देखिए तो ये टाइम में चार गुना हो रहा है, तो इसका नियम है यदि टाइम में चार गुना हो जा रहा है तो जो जितना मल्टीपल होता है उस पर क्या हो जाता है जितना गुना उतना पावर, यानी कि 2 पावर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 16 गुना हो जाएगा क्या रकम हो जाएगी, यानी कि 12,000 आगुना 16 हो जाएगा, तो 12 गुना 16 कितना हो जाएगा 12 गुना 16 तो 16 दुना 32 के 2 16 3 19 यानी कि 192/3 0 तो कौन आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गया। जैसे 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, ठीक, ये टाइम हो गया या कितना गुना रकम हो गया, आधी टाइम में 4 गुना हो रहा है तो रकम कितना जितना गुना हो रहा है उस पर पावर हो जाता है, जैसे 2 गुना हुआ तो 2 पावर 4 हो गया, 4 गुना टाइम हुआ तो 2 पावर 4 क्या हो गया रकम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर फसल है, तो रबर देखिए कौन सा फसल है, तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र वाला फसल है, ठीक है। एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित होती है, तो आहार नाल जो है मुख से कोलोन तक विकसित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ठीक है। 58 का क्वेश्चन है एक डैश द्वारा बना पृथ्वी हमेशा आभासी सीधा एवं अत्यधिक छोटा है, कि यह उत्तल दर्पण द्वारा बना होता है, विदेशी निवेश कहलाता है, विदेशी निवेश क्या कहलाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जो निवेश किया जाता है, ठीक है। प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको प्रस्तुत करेगा, तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को करेगा। 26 नवंबर मनाया जाता है, तो 26 नवंबर राष्ट्रीय
विधि दिवस मनाया जाता है, इसी दिन जो है हमारा क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है, मैथ का सवाल है, एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तो निम्नलिखित परिणाम आते हैं कि 17 बार चीट आता है और 23 बार पट आता है। तो सिक्कों की एक उछाल में चीत आने की परेक्टा, तो चीत देखिए कितना बार आया है, 17 बार आया है, टोटल कितना बार में 40 बार क्रिया की परेक्टा क्या हो गया, 17/40 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये क्या हाँ है पश्चिम बंगाल में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली किस किरण विकिरण को पृथ्वी सुरक्षा करती है, प्रावैग्निक किरणों से रक्षा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत जो है देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया गया, तो ये 100 दिन दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी, द आईज आर नोट हेयर, आई आर नोट हेयर, तो ये क्या है कहानी है, द नरेटर कहानी है। बादल किस समूह में बादल के पर्याय है, यानी कि बादल का पर्यायवाची है, ये है बारिद निरद पयोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम संविधान लिखित संविधान लागू हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, अमेरिका में। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है, तो ये कौन होती है, मीथेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी जानी जाती थी, ये किसके नाम से जानी जाती है, दिहंग के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में किसके नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से। ठीक है, इसका लोहित जो क्या है, इसका सहायक नदी है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2011 के जनसंख्या के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा शहर कौन है, तो ये है कौन, दिल्ली है। भारत का वाटरमैन के नाम से किसको जाना जाता है, तो वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है, तो हॉलमार्क देखिए ज्वेलरी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधातु जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती थी, ये क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारा, व्हाट डज क्रिसेंट रेफर टू इन द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट, 77 का हो जाएगा हमारा आंसर, बी नंबर, द मून, व्हाट डज मून रेफर टू पोएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है, तो किसका पत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है, तो तेंदू पत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई थी, सर्वाधिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई, तो मनसिरो मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार का बफर स्टॉक खदान खरीदती है, वह क्या है, FCI है, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जा को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो मेरुरज्जा को सुरक्षा प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, कशेरुक दंड द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, तो भारत माता कविता का रचनाकार सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि वह 72 रुपये में बेची गई, छूट प्रतिशत, इस तरह के सवाल को हमने अभी तुरंत किए थे इसी प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, जैसे अंकित मूल हो गया कितना, MP 80 हो गया, और SP क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 72, तो छूट कितना रुपया का हो गया भाई, 8 रुपया का हो गया, तो छूट प्रतिशत निकालना है, छूट प्रतिशत होता है छूट गुना 100 बटे क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा, यानी कि
80 हो जाएगा। ये देखिए 10 बार में कट जाएगा, आई देखिए 10 बार में ये भी कट जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, छूट हो गया 10% हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संगलित है। तो यह किस में है, यामा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो देखिए अंतर का सूत्र होता है, अंतर का 2 वर्ष के लिए रहेगा तो आर स्क्वायर प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्रतिशत हो जाता है, तो देखिए 5% है तो 5 का स्क्वायर कीजिए 25, और प्रतिशत का मतलब 100, इतना हो जाएगा। किसका, तो मूलधन का हो जाएगा, तो मूलधन कितना है 4000। ठीक है, देखिए ये 20, ये 20 ख़त्म हो जाएगा, अब 25 चौके 0.8² का प्रतिशत होता है, यानी कि बटा में 100 और हो जाएगा, तो देखिए 25 चौके 100 हो जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, 10 रुपया इसका आंसर हो गया। देखिए इस तरह क्वेश्चन को एक और हमने शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि ए बी फार्मूला के माध्यम से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, तो 2 वर्ष के देखिए साधारण ब्याज तो सीधे हो जाएगा 10% हो जाएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमने ए बी फार्मूला का उपयोग किए थे, 5 वर्ष 2 वर्ष के लिए है तो +5 और +5। ठीक है, और दोनों का चिन्ह गुना करके यहाँ लिख देंगे 5 × 5 / 100, तो ये क्या कितना हो गया, 5 × 5 = 10, 10 जोड़ 25/100 होगा तो क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, यानी कि 10.25 हो गया। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 10.25 और साधारण ब्याज कितना है 10%, तो अंतर कितना हो गया 0.25% का। ठीक है, 0.25% इसका निकाल देना है 4000 का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो पशुओं के चारे के रूप में ज्वार और बाजरा उपयोग में ले जाती है। ठीक है, माली मालिन में समास है, तो कौन सा समास है माली मालिन में, तो यह है द्वंद्व समास है। कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन क्या नहीं, उबलता हुआ पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, तो प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है, भारत के महान वादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से देश के मध्य चलाई गई थी, मुंबई से पुणे के मध्य चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री रामचंद्र मांझी देश के लिए प्रसिद्ध है, रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध है, लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, तो जलालगढ़ जिला किला बिहार के पूर्णिया में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है, तो भारत सरकार करेंसी नोट जो है RBI जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, सामाजिक न्याय जो है समाज में बिना भेदभाव के सभी नागरिक के साथ समान व्यवहार, यही सामाजिक न्याय दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह राज युग्म जहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है वह कहां है, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया था,
यह मोहम्मद इकबाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? यह मिलती है संगठित क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो यह जिप्सन से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो हमारी नींद कविता कवि है बारेन डंगवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो व्हाट डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट बॉयल्स हो जाएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।